हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ट्यूटोरियल में। और क्वेरी का ट्यूटोरियल चल रहा है, टेक्स्ट फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट फंक्शंस के बहुत सारी फीचर्स देख लिए हैं टेक्स्ट कैटेगरी के, और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिलिमिटर्स यूज्ड हो तो हमें क्या करना है और कैसे करना है एक पावर क्वेरी के अंदर। लाइक मेरे पास जो डेटा मौजूद है यहां पर हमारे पास जो सेपरेटर्स हैं, जो डिलिमिटर्स यूज हुए हैं, वो डैश है और एट द रेट है। डैश और एट द रेट टू डिफरेंट डिलिमिटर्स यूज हुए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हमें अगर डेटा को अलग अलग करना है, इसमें देखिए इनिशियल्स फर्स्ट सैल्यूटेशन या प्रीफिक्स है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम है और लास्ट पार्ट ऑफ द नेम है। और इसको अगर हमको अलग करना है तो उसको हमको कैसे करना है ये हम देखेंगे इसके अंदर। इसमें हम ने हेडिंग ये ली हुई है डेटा की अपने। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, वी विल जस्ट पुट आवर कर्सर इन द फर्स्ट सेल। पहले सेल में अपना कर्सर रखेंगे, डेटा पे जाएंगे और इस एक्सेल की टेबल को हम उठा के पावर क्वेरी में लेके जाएंगे। पहले हम इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहिए, बट अगर हमने नहीं किया है तो भी पावर क्वेरी फ्रॉम टेबल रेंज, जैसे ही हम इसकी गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की केस में जाते हैं, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा जैसा कि आप जानते हैं ETL पार्ट है, जहां पे हम गेट द डेटा, ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड फर्दर लोड द डेटा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लोडिंग ऑफ द डेटा भी आपको आएगा पावर क्वेरी के अंदर। तो वो ये तीनों चीजें की जो कि ETL के नाम से फेमस है, आप जानते हैं एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा एंड लोडिंग द डेटा, वो सारा का सारा काम पावर क्वेरी के अंदर होता है। तो हमने यहां पे कर्सर रखा, गेट योर डेटा में हम यहां पर गए, फ्रॉम टेबल रेंज को हमने क्लिक किया और ये देखिए ये कह रहा है कि क्या मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, आपके टेबल में कोई हेडर है? हमने कहा जी हाँ, नेम के नाम से हेडर है और हमने ओके कर दिया। हमने ओके कर दिया, पावर क्वेरी में देखिए ये खुल रहा है, ये खुल गया आपका डेटा। अब ये डेटा आपका यहां पर खुल गया है, आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं। पिछले वाले का नाम हमने डिलिमिटर दिया था, इसका हम डिलिमिटर डिफरेंट डिलिमिटर्स के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। क्वेरी हमारी सेव रहेगी, हमें पता रहेगा कि इसके अंदर क्या हो रखा है। यहां पे सिलेक्शन के लिए आप इसको हमेशा क्लिक कर सकते हैं, ये सिलेक्टेड है। और उसके बाद देखिए टेक्स्ट का जो ये ट्रांसफॉर्म को जब हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट कॉलम्स यहां पर आते हैं। टेक्स्ट कॉलम्स जब यहां पर आते हैं और जब आप ये एक्सट्रैक्ट को क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है। अब टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर को अगर मैं क्लिक करूं तो इसका अगर मेरे को पहला पार्ट ऑफ द सैल्यूटेशन प्रीफिक्स अलग करना है तो यहां से अगर मैं टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर क्लिक करूंगा और यहां पर अगर मैंने बोल दिया कि ये डिलिमिटर डैश है, जो कि देख रहा हूं मैं पहला डिलिमिटर डैश है, डैश किया और मैंने ओके कर दिया तो देखिए उसने मिस्टर अलग कर दिया। लेकिन क्या हुआ गड़बड़, यहां पे गड़बड़ ये हुआ कि हमारा ओरिजिनल डेटा चला गया। इसको पाने के लिए हम इस स्टेप को मिटा देते हैं और हम ये देखते हैं कि देखिए ट्रांसफॉर्म में जो टेक्स्ट का कॉलम है वो हमारे डेटा को रिमूव करके ओवरराइट कर देता है उसी कॉलम में, जबकि ऐड कॉलम के अंदर भी हमें वही फीचर्स मिलते हैं बट ऐड कॉलम एक अगले कॉलम में ये काम को करके देता है। फिर से हम एक्सट्रैक्ट में टेक्स्ट कॉलम में एक्सट्रैक्ट को क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर चूज करेंगे, यहां पर हमने डैश चूज किया और हमने ओके कर दिया तो देखिए इसने एक कॉलम में इसको निकाल के रख दिया। सिमिलरली अब हम एक्सट्रैक्ट में फिर से जाएंगे और हम इसके अंदर से टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर अगर चूज कर लेंगे और इसमें हमने डिलिमिटर की जगह एंड एट द रेट वाला डिलिमिटर दे दिया तो लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हमको निकाल के दे देगा एंड विल से ओके। देखिए ओके किया तो स्ट्रिंग के जो एट द रेट वाला डिलिमिटर है उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको निकाल के उसने यहां पर दे दिया। और ये देखिए इसमें लेफ्ट मिड राइट काम नहीं कर सकता क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, इसलिए हमको डिलिमिटर्स का यूज करना पड़ेगा। और अब बीच वाले पोर्शन को निकालने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम टेक्स्ट में गए, एक्सट्रैक्ट में गए और हमने टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स चूज किया और हमने पहला डिलिमिटर डैश दे दिया, दूसरा डिलिमिटर हमने एट द रेट दे दिया। अब इसको ये पता चल रहा है कि डैश और एट द रेट के बीच में जो भी चीजें हैं वो मुझे निकाल के देनी है और मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखिए इसने सेंटर का पोर्शन फिर से निकाल दिया। और जैसा कि मैंने बताया था सारे स्टेप्स देखिए ऐड होते जा रहे हैं इस क्वेरी में, सारे स्टेप्स ऐड हो रहे हैं। इसको कंट्रोल करके अगर मैं ये सारे कर लिया है, ये सारे एक्सट्रैक्ट हो गए और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसका ऊपर नाम यहाँ पे डबल क्लिक कर करके नाम आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसका नाम मैंने चेंज करके लिख दिया प्रीफिक्स,
या सैल्यूटेशन, इसका नाम आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम, इसका नाम आप लिख सकते हैं लास्ट नेम। डबल क्लिक आप इसमें करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये हेडिंग्स आपकी चेंज हो गई। और अब यहां से आप होम टैब में जाके, क्लोज एंड लोड टू ऐड करके क्लोज एंड लोड टू चूज किया आपने। अब ये पूछेगा कि आपके डेटा को टेबल के रूप में रखना है, जी हाँ रखना है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखिए, नई वर्कशीट में मत ले जाइए। यहां पर मैंने सेल सेलेक्ट किया और ओके कर दिया और ये सारा का सारा डेटा जो है मेरा एक्सट्रैक्ट होके देखिए यहां पर आ गया। मैं इसको अगर क्लोज करता हूँ, ये मेरी क्वेरीज खुली हुई हैं यहाँ पे जो बता रही हैं वापस एडिट करना है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने ये अलग कर दिया। अब सपोज करिए मैं इसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ इनपुट डेटा को, इसको मैंने मिसेज रीटा सिंह मैंने ये कर दिया और मैं उसके बाद आके इस डेटा को रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने डेटा को रिफ्रेश कर दिया तो ये देखिए मिसेज रीटा सिंह, ना सिर्फ ये डेटा यहां पर आया है बल्कि इधर जाके सारी की सारी प्रोसेस इसने कंप्लीट करी है और पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके ये डेटा वापस आपके पास फ्रेश होके आ गया। तो अब मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, यही है पावर, क्वेरी की पावर, जिसमें कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी क्वेरी अपनी बनाएंगे, इनपुट डेटा के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे आउटपुट डेटा में सिर्फ आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो डेटा आपका कितनी बार भी बदलता है डेटा आप चेंज कर सकते हैं, डेटा चेंज करेंगे अपडेटेड रिपोर्ट पे आपको दोबारा काम नहीं करना है, वो क्वेरी अपने आप रन करके अपडेटेड रिपोर्ट, अपडेटेड क्वेरी फिर से अपने आप बना लेती है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हमारे टेक्स्ट फंक्शंस यहीं कंप्लीट हुए, टेक्स्ट फंक्शंस के बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन डेट फंक्शंस के ऊपर बढ़ेंगे, डेट फंक्शंस को देखेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और आपसे चर्चा करते हैं टेक्स्ट फंक्शंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।